हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया था। आज मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताऊंगा। मीटर ब्रिज एक सेंसिटिव डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसकी हेल्प से हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ए व सी के बीच एक 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेट या कॉन्स्टेंटर का वायर जोड़ते हैं और बी को एक संट युक्त गैल्वेनोमीटर और जॉकी से जोड़ते हैं। जॉकी को हम ए व सी के बीच स्लाइड करा सकते हैं। अब ए व बी के बीच रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं और टी व सी के बीच में वो कंडक्टर जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट करना है। ए व सी के बीच एक सेल रिहास्टेट और की जोड़ते हैं। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट कराने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस आर निकालते हैं और की को क्लोज करते हैं और जॉकी को एसी के बीच स्लाइड करा के एक ऐसा पॉइंट बी फाइंड आउट करते हैं जहां पर जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। इस स्टेज में डी और आपका बी जो है वो सेम पोटेंशियल पर होगा और आपका जो बी है वो आपका नल पॉइंट होगा। ये आपकी कौन सी स्टेज है? ये जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंसेस के रेशियो जो है वो आपके सेम हो जाएंगे, यानी पी अपान क्यू इज इक्वल टू आर अपान एस। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ये आपको पी दिया हुआ है और फार्मूला इसका है क्या, आर इक्वल टू रो एल अपान होता है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। एल क्या है? ए बी की लेंथ है और ए जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसी टाइप से रेजिस्टेंस ऑफ बीसी आपका क्या हो जाएगा, ये आपको क्यू दिया है, ये इक्वल टू हो जाएगा रो और इसकी लेंथ है 100 माइनस एल अपॉन ए। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा रो एल अपॉन ए अपॉन रो 100 माइनस एल अपॉन ए इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये रो रो कट गया आपका, ए ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ये आप इस टाइप से कंडक्टर का रेजिस्टेंस एस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक बात और बतानी थी, मीटर ब्रिज पे प्रैक्टिकल भी हैं तो प्रैक्टिकल के लिए इन सब चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए हम सेकेंड फिगर में कनेक्शन देखते हैं जिससे कि हमको प्रैक्टिकल करने में हेल्प मिलेगी।